लोग जनता दरबार में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं। तो जन शिकायतों पर सुनवाई करते हुए, शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लाइव तस्वीरें आप राजधानी लखनऊ से देख पा रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार। लंबे समय से जनता दरबार में प्रदेश के तमाम ऐसे लोग जिनकी शिकायतों को अनसुना किया जाता है विभागों के द्वारा, या ऐसी शिकायतें जिनको लेकर लंबे समय से कार्रवाई लंबित पड़ी हुई है, वो तमाम लोग अपनी शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक पहुंचते हैं। जनता दरबार में शिकायतों को सुनने के साथ ही साथ मुख्यमंत्री तमाम विभागों के द्वारा ये सुनिश्चित भी करवाते हैं कि शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। समय समय पर जनता दरबार के द्वारा लोगों की शिकायतों को सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी विभाग से संबंधित शिकायत हो, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाकर तमाम शिकायतों को मुख्यमंत्री के सामने रखा जा सकता है। तो लखनऊ से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार की ये तस्वीरें हैं। आज जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लंबे समय से जनता दरबार के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों से सीधा संपर्क, सीधा संवाद बनाए रखने की ये जो कवायद मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, इसके द्वारा तमाम लोगों की परेशानियां दूर होती हैं। प्रदेश में किसी भी विभाग, किसी भी क्षेत्र से संबंधित समस्या हो, मुख्यमंत्री तक पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखा जा सकता है। तो जनता दरबार की आप ये तस्वीरें देख पा रहे थे, और इसके बाद आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर टीम 9 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद। टीम 9 के अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में ताजा स्थितियों की समीक्षा से लेकर, ताजा स्थितियों के बारे में जानकारी को लेकर प्रतिदिन सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक होती है टीम 9 के अधिकारियों के साथ। और इस समय प्रदेश की स्थितियों की यदि बात की जाए तो बाढ़ की स्थिति से लेकर वायरल फीवर को लेकर जो स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में तमाम अधिकारियों से बातचीत कर उस ओर कदम उठाया जाएगा। जिस तरह से लगातार हम देख पा रहे हैं कि कोरोना काल की बात करें या उसके बाद की बात करें, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बात करें, मुख्यमंत्री लगातार तत्पर नजर आते हैं। टीम 9 की बैठक में अधिकारियों से बातचीत करके पल पल की स्थिति की जानकारी और समीक्षा के साथ ही साथ आगे प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर, सुविधाओं को लेकर बातचीत की जाती है। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ